सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। टुडे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऐसी इक्वेशंस जिनमें दो वेरिएबल अवेलेबल हो एज x एंड y। दो वेरिएबल्स में इक्वेशन को डेवलप करना, उनको सॉल्व करना, उनके सॉल्यूशन फाइंड करना, उनको सेटिस्फाई करना और उनको ग्राफ पर ड्रॉ करना, ये बेसिक कंसेप्ट इसलिए सिखाया जा रहा है कि इन केस आप फ्यूचर में मैथ्स लेते हैं तो लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। तो यहाँ पर प्रीवियस चैप्टर्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब कोऑर्डिनेट को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, वो सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लाइन होती क्या है। लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन एज लीनियर इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे उसके लिए लीनियर इक्वेशन के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और उनको फिर नंबर लाइन के अकॉर्डिंग ग्राफ शीट पर रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास कार्टेशियन प्लेन होगा, टू डायमेंशनल प्लेन होगा, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि यदि हमें कुछ क्वेश्चन डेवलप करने हैं तो उससे पहले हमें इक्वेशन डेवलप करना आना चाहिए। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इक्वेशन फॉर्म कैसे करेंगे, जनरली एप्लीकेशन इन लाइफ हम उसकी बात करते हैं कि जनरली हमारे पास इक्वेशन कैसे डेवलप होती हैं। यदि हम ये कंसिडर करें कि मार्केट में कुछ सामान लेने जाना है और उसमें हमें मालूम है कि कुछ सामान हमें क्वान्टिटी में लाना है, तो अब क्वांटिटी में लाना है और कितना लाना है ये हमें देखना है। यदि कहा जाए कि एक बच्चा 10 केजी वेट आराम से उठा सकता है लेकिन उसे दो आइटम लेने हैं तो कितने कितने ले ले, वो दो आइटम लेने हैं, 10 किलो वजन उठा सकता है कोई तो कितना कितना वेट ले सकता है, दो आइटम है। या सेकेंड एग्जाम्पल ले सकते हैं कि दो बच्चे हैं, कहीं उनको कंट्रीब्यूशन करना है 10 रुपीज का। अब कौन सा बच्चा कितने रुपए दे वो वेरी करेगा कि एक कुछ अमाउंट दे, सेकेंड दूसरा अमाउंट दे दे, टोटल 10 रुपीज अरेंज करना है। नेक्स्ट लेते हैं कि यहां पर कोई स्टूडेंट्स हैं, क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनके पास बुक्स की बात करते हैं। नॉर्मली दो स्टूडेंट्स हैं तो उनके पास सारे सब्जेक्ट की बुक होनी चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए, पेंस होने चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए। तो यदि सर्वे किया जाए, बच्चों की क्लास का सर्वे किया जाए कि एवरेज स्टूडेंट पे जो है पेन, पेंसिल, बुक्स, नोटबुक होने चाहिए, तो दो बच्चों का बैग को चेक किया गया कि उसके पास कितने आइटम है उस बैग में, तो एक बच्चे के पास कुछ आइटम मिलेंगे, दूसरे के पास दूसरे कुछ आइटम मिलेंगे, दोनों का सम जो होगा हम वहां उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए लीनियर इक्वेशन। तो यदि हम फिर बात करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है, उसी टाइप का एक क्वेश्चन है कि इक्वेशन फॉर्म करनी है। उसने कहा है कि यदि किसी क्रिकेट प्लेयर्स हैं वो गेम खेलते हैं और वो दोनों मिलाकर, दो प्लेयर हैं वो दोनों मिलाकर 100 रन बनाते हैं, तो कितने कितने रन बनाएंगे, वो वेरी करेगा। हो सकता है एक 0 बनाए दूसरा 100 बना दे, हो सकता है एक 10 बनाए दूसरा 90 बना दे, हो सकता है एक 20 बना दे एक 80 बना दे, वेरी होगा। बट जब वेरी होगा तो फिर हम उसको कहते हैं वेरी करेगा, तो उसको कहते हैं वेरिएबल।
हम उनमें एज्यूम कर लेते हैं कि कोई एक नंबर एक्स है तो सेकंड नंबर वाई है। तो हमने कहा एक प्लेयर एक्स रन बनाता है, दूसरा प्लेयर वाई बनाता है और टोटल हो गया 100। 100 रुपीज के डोनेट किए करने हैं और दो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम दो स्टूडेंट मिलकर के उसका डोनेट करते हैं, तो एक कहता है मैं एक्स करूंगा दूसरा वाई करेंगे, दोनों मिलाकर के 100 रुपीज हो जाएंगे। अब ये एक्स और वाई क्या है ये तो बाद में बात करेंगे, बट इक्वेशन फॉर्म हो गई। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि कॉस्ट ऑफ द बुक इज ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ द पेन। यदि पेन की कॉस्ट को हम एक्स कंसिडर कर लें और बुक की को वाई कंसिडर कर लें, तो वहां पर कहा कि कॉस्ट ऑफ द बुक इज ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन। यदि हम ये कंसिडर कर लें कि एक्स पेन की कॉस्ट है, वाई नॉट बुक की या बुक की कॉस्ट है, तो एक इक्वेशन बन गई। तो इक्वेशन फॉर्म करना, देन उसके बाद कहा जा रहा है कि आप उसको ग्राफ पर भी रिप्रेजेंट करें। तो हम अभी क्वेश्चन लेंगे, उनके बेस पर हम इनको ग्राफ पर भी ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं उनको हम लेके करेंगे तो बेटर होगा एग्जाम्पल लेकर के समझाने के लिए, ठीक है। नॉर्मली जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो इसमें क्वेश्चन हमारे पास सबसे पहले आया चेक वेदर 02 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कोई इक्वेशन गिवन है, उसने कहा है कि x माइनस 2y इक्वल टू 4 एक इक्वेशन है, और उसने कहा है कि पॉइंट है a 02 और कहा है कि वेरीफाई करो कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है, चेक वेदर दिस 02 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस, यस और नो। तो जब हम चेक करने की बात आती है कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो हमारे पास जनरल पहले एक और बात कर लेते हैं कि हमारे पास यदि एक इक्वेशन x प्लस y इक्वल टू 4 है और फिर कहा जाता है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो वी कैन राइट दिस y इक्वल टू 4 माइनस x, y इक्वल टू 4 माइनस x। क्या किया हमने, x को लेफ्ट साइड से शिफ्ट कर दिया राइट साइड में। तो यहां हमारे पास सॉल्यूशन निकालना है, वेरिएशन होगा, वैल्यूज हम चूज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट होंगी। कहा फाइंड द थ्री सॉल्यूशंस, एनी थ्री सॉल्यूशंस, तो थ्री में हम क्या लेंगे, कोई भी एक्शन चूज कर लो। यदि हम एक्शन चूज करते हैं दी जीरो तो 4 माइनस 0 क्या आएगा 4, यदि हम यहां 2 करते हैं तो 4 माइनस 2 इज 2, और यदि 4 ले लें तो 4 माइनस 4 इज 0। इस टाइप के सॉल्यूशन हमारे पास आ सकते हैं, बट ये तो हमने हिट एंड ट्रायल से लिया। जनरली x को हमने एज्यूम किया और y डिपेंड करता है x पर, सॉल्यूशन मिल गए। अब इसको कैसे करें कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, तो यहां हमने किसकी वैल्यू चेंज की, x और y की। यहां भी ये x है और ये y है, तो यहां पर भी इस इक्वेशन में भी x और y की वैल्यू को यहां पुट कर दें और चेक करें कि क्या राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट आता है। नाउ टेकिंग टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन मींस x - 2y एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 0 एंड y = 2 इन दिस इक्वेशन, तो 0 - 2 * 2 means 0 minus 4 is minus 4 or minus 4 is not equal to 4. Minus 4, 4 के equal नहीं है, क्योंकि यहाँ पर right side में हमारे पास है 4, तो ये भी equal नहीं है, तो you say that 0, 2 is not solution of this. Hence, zero two is not solution of इक्वेशन कौन सी है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे कई क्वेश्चन हो सकता है, सॉल्यूशन है तो कोई मिसिंग वैल्यू फाइंड करो। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि इफ इक्वेशन इज 3x + 2 कैन बी राइट ऑफ ax + b + c = 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ abc। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया, बुक का क्वेश्चन है इसी टाइप का, उसमें क्या है कि 3x + 2 = 0 को
आप क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो की फॉर्म में लिखो। क्या करना है, इस इक्वेशन को इसकी फॉर्म में लिखना है। और जब इसकी फॉर्म में लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी कैन राइट 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमने 0 इंटू वाई ऐड कर दिया, कहां से किया, क्योंकि y की टर्म्स यहां थी नहीं, बट y की फॉर्म में तो हमें लाना है, तो y का प्रोडक्ट यहां तो b है, यहां y का प्रोडक्ट यदि 0 हो तो ये 0 ही रहेगा, तो हम इसमें ऐड करें सबट्रैक्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें क्या करना है कि यहां y की टर्म्स को लिखने के लिए 0 इंटू y लिखेंगे, और देन कंपेयर ऑफ दिस बाय दिस, इसको इससे कंपेयर करें तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x यहां 3 है और यहां कोएफिशिएंट ऑफ x इज a, तो a इज इक्वल टू 3, b इक्वल टू 0 क्योंकि y का कोएफिशिएंट यहां b है, तो y का कोएफिशिएंट यहां 0 है, तो b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 2 इज द आंसर ऑफ दिस। ऐसे ही एक और पार्ट से उसमें कहा गया कि इसको यदि हम उसी फॉर्म में लिखें ऐसे x + by, तो एक वैल्यू जो अननोन है वो हमें फाइंड करनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहा है चेक वेदर y = 1 एंड y = -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। चेक वेदर वाले क्वेश्चंस में जब भी हमें कुछ करना है तो एक ही काम करना है कि एक्स और y की वैल्यू को पुट कर देना है, x एंड y। तो क्वेश्चन में कहा है कि x प्लस y इक्वल टू 2, और चेक करना है कि x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ नॉट। तो यहां यदि हमारे पास x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू को यदि हम -1 लेते हैं तो चेक करेंगे क्या इसका सॉल्यूशन है। तो टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन x प्लस y, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज 1 एंड y इज -1, तो रिजल्ट क्या है आपके पास, 0 बट नॉट इक्वल टू 2, x इज 0 एंड y इज -1, तो यदि हम यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास ये 0 आएगा बट 2 के इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1 इज नॉट सॉल्यूशन, देयरफॉर x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट फिर पूछा गया है व्हाट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन, एक इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन है 5 इंटू 2x माइनस 4 प्लस 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। यहां हमें पूछा गया है कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y, तो कोएफिशिएंट ऑफ y तो ये है, y का कोएफिशिएंट क्या है, डायरेक्टली 1 मार्क्स पे लिख सकते हैं। यहां पूछा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ x, तो फिर हमें x को सिंपलीफाई करना पड़ता, तब हमें मिलता है कोएफिशिएंट ऑफ x। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, find the value of a when y is equal to 3 is expressed in of the form of ax plus by plus c। question hai ki y is equal to 3 aur usko kaha hai ki ye ax plus by plus c equal to 0 ki form mein express karo। yadi ye हम इसको चेंज करना चाहेंगे तो हमारे पास ये सिर्फ y टर्म्स दी हुई है, x टर्म्स तो है ही नहीं, तो x टर्म्स को लिखेंगे 0 into x plus y minus 3 equal to 0।
और यदि हम इसको कंपेयर करेंगे तो व्हाट इज ए, ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और यहां कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 0, तो ए इज इक्वल टू 0। और उसने पूछा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स या मींस वैल्यू ऑफ ए, तो ए 0 हो गया। बट यदि वो पूछता कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, तो वो 1 हो जाएगी। और कांस्टेंट सी पूछे तो वो -3 होगी। नेक्स्ट पार्ट में कहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी ऑफ द पॉइंट ऑफ पी टू लाइज ऑन द लाइन दिस। पी की वैल्यू के लिए कहा गया है कि क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट है, और पी कोई कोऑर्डिनेट है, या यहां हम कहते हैं ए कोऑर्डिनेट है और पी टू एक कोऑर्डिनेट है जो लाइन 3x + y = 11 पर सेटिस्फाई करता है, लाइक करता है। यदि ये पॉइंट P2 इसको लाइक करता है, लाइक करने का मतलब है कि ये इस लाइन को, इस लाइन पर ये पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, P को मींस x को P और y को 2 पुट करेंगे। देयरफॉर 3p + 2 = 11 एंड 3p = 11 - 2 और 3p = 9 और p = 9/3 और ये p = 3। p की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, तो कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ कोऑर्डिनेट लाई ऑन द ग्राफ। कोऑर्डिनेट क्या है, सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह है, कोऑर्डिनेट a है और उसकी कोऑर्डिनेट गिवन है हमें m - 2 एंड 2m + 1 और दिस पॉइंट लाई ऑन द स्पेशल इज 2x + 3y = 10। ये लिस्ट जो है वो मैं अभी शेयर कर दूंगा आप लोगों को, यहाँ ये क्वेश्चंस हमने जो सिलेक्ट किए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं, उनको दिखाने के लिए ये ग्रुप में आपको मिल जाएगा और वीडियो में दिखा दूंगा अभी तो ठीक रहेगा, क्योंकि अदरवाइज फिर भूल जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास जो हमने लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बनाए हैं वो इसको देख लें कि ये क्वेश्चन हैं जिनको आपको करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बता दूं कि ये क्वेश्चन सारे लास्ट ईयर्स एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनको हम एनी हाउ प्रैक्टिस कर लें, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के आते हैं। इन सारे क्वेश्चनों को यदि कर लेंगे तो ऑलमोस्ट इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन है उसने कहा है कि कोऑर्डिनेट है जो m - 2, 2m + 1 है और वो इस लाइन को लाई करते हैं, इस लाइन पर पास करते हैं, ये पॉइंट, ये लाइन इस पॉइंट से पास करती है या ये पॉइंट इस पर लाई करता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू को m - 2 और y की वैल्यू को 2m + 1 पुट कर देंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज m - 2 एंड वैल्यू ऑफ y इज 2m + 1 = 10 और यहां से कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो यू कैन राइट इज 2m - 4 + 6m + 3 = 10 देन 6 + 2 = 8m और ये -4 और +3 को सिमिलर करके हम राइट में पहुंचा दें तो हमारे पास आएगा 10 - 3 + 4 = 8m = 11 अब 11 हमारे पास इनका रिजल्ट आया तो m = 11/8 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, मींस वैल्यू ऑफ m इज 11/8। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस। कोई इक्वेशन है उसमें कहा है कि इक्वेशन है x + 2y = 4 इट इंटरसेक्ट द x-axis, x-axis को इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि कोई लाइन यदि ऐसे x-axis को यहाँ कट कर रही है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए, x 0 होने चाहिए, मीन्स y 0 होना चाहिए। तो जब भी कभी कोई लाइन यदि x-axis को कट करेगी उसके कोऑर्डिनेट 0
y की वैल्यू 0 मींस x 0 होंगे, और यदि कोई लाइन yx को कट कर रही है ऐसे यहां तो इसके कोऑर्डिनेट 0 y होंगे। ध्यान देना पड़ेगा कि x अननोन है बट y 0 कंफर्म होगा क्योंकि लाइन पासिंग थ्रू टू x एक्सिस, और इन केस लाइन पासिंग थ्रू टू y एक्सिस देन कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 0 y। तो उसने क्या है कि दिस लाइन पासिंग थ्रू टू x एक्सिस तो वैल्यूज ऑफ y इज 0 यहां पुट करेंगे देन वैल्यू ऑफ x मिलेगी। Now, like x y equal to 0, then x plus 2 into 0 equal to 4, then x is equal to 4. Therefore, the point, हम mark करें, तो x is 4 and y is 0. Hence, the required the point are 4, 0. Next, फिर question पूछा. Next में कहा गया है, find the three solutions of the equation. थ्री सॉल्यूशन का मतलब है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन बताया कि हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद हमारा काम शुरू होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसी भी लाइन को ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए उससे पहले हमें एक सॉल्यूशंस की लिस्ट तैयार करनी होती है, और वो सॉल्यूशंस क्या होंगे एज एनी क्वेश्चन एनी इक्वेशन एज 2x माइनस y इक्वल टू 4। और कहा है फाइंड द थ्री सॉल्यूशन, you can write of this equation in form of y in x. So we can change minus y equal to 4 minus 2x. क्या किया हमने? हमने 2x को right side में shift कर दिया। But y से पहले हमारे पास क्या sign है? Y से पहले हमारे पास minus का sign है, और minus का sign जो होगा उसको हमें वहाँ से change करना होगा। तो you can say multiply by minus on both sides. आप इस माइनस साइन को यदि हटाना चाहते हैं तो माइनस वन से बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस वाई होगा बट ये माइनस फोर और प्लस टू एक्स होगा, देन वाई इक्वल टू क्या होगा 2x माइनस 4। एक ये नई इक्वेशन हमें मिली। वी कैन सम टाइम कुछ सम क्वेश्चंस आर से इक्वेशन राइट y इन फॉर्म ऑफ x, y इन फॉर्म ऑफ x, y को x की फॉर्म में लिखिए, तो y को x की फॉर्म में लिख दिया। इन केस सेकंड क्वेश्चन भी आ सकता है कि इक्वेशन राइट x इन फॉर्म ऑफ y, तो क्या करेंगे x को लेफ्ट में रखेंगे y को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। नाउ फाइंड द थ्री सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। अब इसके थ्री सॉल्यूशन हमें निकालने हैं, एनी थ्री सॉल्यूशन हम निकाल दें, हम फोर भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट लाइन ड्रॉ करने के लिए ग्राफ बनाने के लिए हमें थ्री सॉल्यूशन मिनिमम फाइंड आउट करने ही पड़ेंगे। टू कोऑर्डिनेट से लाइन ड्रॉ नहीं होगी, होगी तो वो कॉन्फिडेंट नहीं हो गई कि वो आपकी लाइन ठीक है, सीधी स्ट्रेट लाइन बन रही है नहीं बन रही, तो हमें मिनिमम थ्री कोऑर्डिनेट चाहिए ही चाहिए। तो नंबर वन हम फाइंड करेंगे कि हम ये थिंक करेंगे कि व्हाट इज एक्स, हम यहाँ एक्स क्या चूज करें जो वाई की वैल्यू आ जाए, कुछ भी ले लें, हमारे पास नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स हैं, रैशनल नंबर है, रियल नंबर है, कुछ भी हम यहाँ ले सकते। हम सपोज करते हैं कि एक्स यहां पर जीरो है, तो क्या करेंगे देखो, वाई को यदि हम जीरो वाई की वैल्यू निकालना चाहते हैं एक्स जीरो पर, तो टू इंटू जीरो माइनस फोर, मतलब जीरो माइनस फोर इक्वल टू माइनस फोर, ये माइनस फोर आ गया। सेम यदि सेकंड वैल्यू को देखेंगे तो यहां एक्स की वैल्यू को हम वन पुट कर दें तो क्या होगा, टू इंटू वन माइनस फोर मीन्स टू माइनस फोर इक्वल टू माइनस टू, और यदि हम वाई की वैल्यू को यहां टू ले लें, एक्चुअल को 2 ले लें, x की वैल्यू हमने 1 ली तो ये माइनस 2 आ गया, यदि 2 लेते हैं तो क्या होगा 2 इनटू 2 माइनस 4 मींस 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये तो 0 आ गया। इनके से यदि हम 3 ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू 2 इनटू 3 माइनस 4 मतलब 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, तो एक और फालतू हमने सॉल्यूशन निकाल दिया। तो सॉल्यूशन निकालने का प्रोसेस यही है कि हमने को भी इक्वेशन को चेंज करेंगे देन फिर टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनेगी, इनको वन बाय वन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और ये टेबल जो बनेगी हमारे पास फोर सॉल्यूशन होंगे। हम यहां लिख सकते हैं हेंस द फोर सॉल्यूशन या थ्री सॉल्यूशन, जितने चाहिए आप लिख सकते हैं, थ्री सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन बी। अब फर्स्ट को लिखते हैं, फर्स्ट हमने लिया था जीरो माइनस फोर, सेकेंड लिख दें वन माइनस टू, थर्ड लिख दें टू एंड जीरो, और थ्री एंड फोर, थ्री एंड टू, तो ये हमारे पास फोर सॉल्यूशन होंगे, थ्री सॉल्यूशन होंगे, चाहे जितने लिख दें, जितने बोला गया है।
तो ऐसी एक और क्वेश्चन भी आई हुई है, फाइंड द थ्री सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन भी इसमें लिखी हुई है, मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, दूसरी इक्वेशन है 4x - 5y = 15, इसके भी आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो, या फिर यहाँ करेंगे इसको चेंज करेंगे, तो हम यदि इसको चेंज करते हैं दूसरे मेथड से करते हैं क्या कि y को राइट में शिफ्ट कर दें तो क्या होगा, यू कैन राइट 4x = 15 + 5y and x equal to 15 + 5y / 4. तो यू वी कैन राइट इक्वेशन x इन फॉर्म ऑफ y. आप फर्दर यहां टेबल बना सकते हैं, तो x और y, बट यहां हमने राइट में y चूज करना पड़ेगा, y को चूज करेंगे तो x मिल जाएगा, अब y को अगर 1 चूज कर दें तो क्या होगा, 5 × 1 लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, 15 + 5 × 1/4 means 5 + 5 = 20/4 means 5, तो ये x is 5. इनके से भी y को हमें कहा जाए कि इसको 2 ले लो तो क्या होगा, या 3 ले लो, या माइनस ले लेते हैं, -1 ले लेता है, -1 लेंगे तो क्या होगा, देखो x = 15 + 5 × -1/4, तो आएगा 15 - 5/4 means 10/4, जिसको आप 5/2 भी ले सकते हो. अब 3 लिख दें, -3 लिख दें, -3 लिखेंगे तो क्या होगा, देखो x = 15 + 5 × -3/4, 15 - 15/4 means 0.4 means 0, तो यहाँ क्या होगा, x is 0. हमारे अकॉर्डिंग हम x या y किसी को भी चूज करें, सोचें, और अदर वेरिएबल सेकंड वेरिएबल हमारे पास आ जाएगा. एक इजी क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट करना है उसको, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो यहां हमें सॉल्व करने के लिए कहा गया, सॉल्व द इक्वेशन, वन वेरिएबल इक्वेशन है, ऐसे क्वेश्चन 8th क्लास में आते हैं, बट यहां आ गया था तो मैं उसको भी लिख देता हूं क्योंकि लिस्ट में हमने लिखा है. तो हम उसको कैसे करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, यहां पर है 5x + 1 and x + 3 = 5 times of x + 1 or x + 2. यदि हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5 × x 5x × करेंगे तो 5 × x में करेंगे 5x², 5 को 3 से करेंगे 15x, 1 से x में करेंगे तो x + 3, राइट साइड में 5 है बट ब्रैकेट ओपन करने पहले तो x को x से करेंगे x², x को 2 में करेंगे 2x, x को 1 से करेंगे x + 2. तो यहां हम लिखेंगे 5x² + 16x + 3 = यहां से ब्रैकेट ओपन कर दें. अब यहां देखो ये तो 2 + 1 = 3 हो गया, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 5x² + 3 × 5 = 15x + 10. देखो ये 5x² 5x² से कैंसिल हो जाता है. देन वेरिएबल्स लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे एज 16x - 15x, और ये 10 है तो यहाँ 3 इधर शिफ्ट कर, तो 16 - 15 इज x और 10 - 3 इज 7, तो वैल्यूज ऑफ x इज 7. अभी हम बात कर रहे थे हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो यहाँ एक ऐसा ही क्वेश्चन दिया है कि इक्वेशन है कि द कॉस्ट ऑफ द 4 चेयर्स एंड 5 टेबल्स इज 3200, राइट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 4 ऑफ दिस स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट इट इज द टू सॉल्यूशन. तो यहां हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है और इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे द कॉस्ट ऑफ द 1 चेयर, क्योंकि इसने कहा 4 चेयर और 5 टेबल्स हैं, तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर की कॉस्ट हमें सपोज करनी पड़ेगी, 1 चेयर इज x, रुपीज x कर दो, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल
इक्वल टू रुपीज वाई। यदि हमारे पास एक चेयर की कॉस्ट एक्स है और टेबल की कॉस्ट वाई है तो उसने क्या फोर चेयर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लिख दें या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दें, तो यहाँ आएगा फोर चेयर और फाइव टेबल्स की कॉस्ट 3200 है। हमने क्या कंसिडर किया था कि एक्स जो है वो कॉस्ट ऑफ वन चेयर और वाई कॉस्ट ऑफ वन टेबल आ गए, तो रिलेशन हमारे पास ये बन गया, मतलब इक्वेशन बन गई। अब उसने कहा इक्वेशन तो बन गई, अब इसके दो सॉल्यूशन भी निकालो। अब देखो टेबल और चेयर की कॉस्ट क्या हो सकती है, भाई 10-20 रुपये तो होगी नहीं, 50, 100, 200 की फॉर्म में होगी। तो आप उसी तरह से इसको करेंगे कि हम यहाँ कंसिडर कर लें कि 5 = 3200 - 4x और y की वैल्यू क्या लिखेंगे 3200 - 4x/5। अब x को यदि आप मान लो कि ये 100 है, यदि हम टेबल बनाएंगे दो सॉल्यूशन उसने पूछे हैं x एंड y, तो x को यदि हम 100 ले लें तो क्या होगा, यहां देखिए y equal to 3200 minus 4 into 100 divided by 5 means 3200 minus 400 divided by 5 क्या लिखेंगे आप 2800 by 5 और डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 5 से 28 को डिवाइड करेंगे 5 5 25 3 बचेगा 30 और 5 6 30 और ये 560 हो गया। सिमिलरली हम 200 ले लें तो क्या होगा, अब 200 लेंगे तो 4 into 200 800 हो जाएगा, देन y = 3200 माइनस 4 = 800 होगा ये और डिवाइड बाय 5, 800 माइनस करेंगे तो क्या होगा 2400 आएगा, 2400 को आप यदि 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 5 4 और 5 8 480 होगा। यदि हम ये कंसिडर कर लें कि चेयर 100 रुपीज की है तो टेबल 560 की होगी, यदि चेयर हम 200 की कंसिडर कर रहे हैं तो टेबल 480 की होगी, यदि हम 300 कर लें तो क्या होगा, हम चेयर की कॉस्ट कर लेते हैं कि हम चेयर की कॉस्ट जो है वो 300 है, अब 300 यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा 3 4 20 3 4 12 3200 - 1200 2000 को 5 से डिवाइड करेंगे 400। तो यहां यदि चेयर 300 की है तो टेबल 400 की हो जाएगी। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के, ग्राफ हमें बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास कुछ बातें जरूरी हैं कि ग्राफ बनाएंगे तो हमें क्या चाहिए, पहले सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन नहीं होंगे तो ग्राफ नहीं बना पाओगे। तो सबसे पहले जो भी हमारे पास इक्वेशन होगी उसका ग्राफ बनाना है और ग्राफ बनाने के बाद जो भी आगे कंडीशन ली है उनको सॉल्व कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द टू लाइंस। अब लाइंस कहाँ हैं, सेम ग्राफ पर हैं, टू लाइंस हैं, तो क्वेश्चन में लिखा है फर्स्ट लाइन y = x फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है 2x - y = 6 ये सेकंड इक्वेशन। तो आप बेसिक्स क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशंस को ड्रॉ करने के लिए एक ग्राफ शीट चाहिए, सुनिए क्या है कि एक ही ग्राफ शीट पर ड्रॉ करना है। तो एक ग्राफ शीट हम लेंगे और ग्राफ शीट पे लाइन करेंगे ड्रॉ। तो सबसे पहले ग्राफ शीट पे क्या मार्क करना है ये जरूरी है और उससे पहले हमें क्या करना है वो जरूरी है। तो सबसे पहले हमें क्या जरूरी है कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। यदि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करें तो क्या होगा, तीन सॉल्यूशन फाइंड करने मस्ट है। यदि इन केस हम यदि x को जीरो लेते हैं तो ये जीरो आएगा, यदि यहां सपोज करो टू ले तो टू आएगा, फोर ले तो फोर आएगा, थ्री ले तो थ्री आएगा, सिक्स आए तो सिक्स लेंगे। तो इस इक्वेशन में जो भी x कंसिडर करेंगे वो y आ जाएगा, तो हमारे पास यहां जो सॉल्यूशन बने वो 0 0 2 2 4 4 आ गए। नाउ फॉर सेकंड इक्वेशन 2x - y = 6 के लिए हम सॉल्यूशन बनाएंगे। तो इसके सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालने के लिए फिर एक टेबल बनेगी, तो टेबल जो होगी उसमें भी हमारे पास 3 वैल्यू निकालनी है। अब कैसे लिखेंगे, हम y को उधर शिफ्ट कर दें
तो हमारे पास 2x इज इक्वल टू 6 प्लस y हो जाएगा और x 6 प्लस y अपॉन 2 हो जाएगा। मैंने इसको y को उधर शिफ्ट क्यों किया, गलती होने के चांस कम हो गए, क्योंकि इनकेस यदि आप 2x को राइट में शिफ्ट करते तो 2x तो नेगेटिव जाता ही, y नेगेटिव यहां ऑलरेडी रहता, और बाय द वे आप भूल गए इस y को नेगेटिव को पॉजिटिव में करने कन्वर्ट करने के लिए, तो यहां अक्सर गलती 100% होती है, जो साइन आपको माइनस में लाने थे रिजल्ट माइनस में आना था वो प्लस में आता चला जाएगा, और जब ग्राफ ड्रॉ करोगे आप 100% कहोगे कि हम तो ठीक करके आए थे और वहां मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो y नेगेटिव है इसलिए मैंने उसको राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, तो मुझे एक स्टेप कम करना पड़ा क्योंकि साइन माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने से बच गए। अब हम y को सपोज करते हैं कि y हम 0 लेते हैं, यहां 6 प्लस 0 6 अपॉन 2 तो 3 आएगा। यदि हम y को ऐसा कुछ ले जो 6 में ऐड करने के बाद वो 2 से डिवाइड हो जाए, यदि हम 2 ले लें तो 6 प्लस 2 8 8 अपॉन 2 4 हो जाएगा। यदि हम यहां पर 4 ले लें या 0 ले लें, 0 तो हमने ले लिया था, तो इसमें हम 4 लेते हैं y को, तो 4 प्लस 6 10 10 अपॉन 2 इज 5। इस तरह से हमारे पास ये 3 सॉल्यूशन भी मिल गए। अब नेक्स्ट काम जो आता है वो ग्राफ बनाना आता है, तो ग्राफ पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो भी है सपोज करो क्वेश्चन नंबर ये 13 है तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 13, उसके बाद इक्वेशन भी मार्क करेंगे यहां, बट उससे पहले हमें लिखना पड़ेगा स्केल, लेट द स्केल बी 1 बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट, 1 बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहां जो पॉइंट है नंबर है वो छोटे छोटे हैं और मैक्सिमम नंबर जो है 5 है, तो हम 1 यूनिट इक्वल टू 1 बॉक्स लेकर भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इन केस ये वैल्यूज ज्यादा बड़ी बड़ी होंगी तो हमें स्केल को चेंज करना पड़ेगा, 1 बॉक्स इक्वल टू 10 यूनिट करना पड़ सकता है, हो सकता है 100 में हो तो 1 बॉक्स इक्वल टू 100 लेना पड़े, हो सकता है 1000 में हो तो 1 बॉक्स इक्वल टू 1000 यूनिट लेना पड़े। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन और उसकी वैल्यू सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हमें ग्राफ डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सा स्केल देना पड़ेगा। हमने स्केल कंसिडर किया, उसके बाद हमारे पास जो ग्राफ शीट होगी उस पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करेंगे, एक तरह से कार्टेशियन प्लेन डेवलप कर लेंगे। ये हमारे पास ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने पहले ही डिस्कस किया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया हुआ है, लीनियर इक्वेशन की पहले वीडियो में किया हुआ है, कि यहाँ हमारे पास जो पॉइंट है वो लास्टेस्ट पॉइंट जो है वो 5 तक है और ये सारे पॉइंट पॉजिटिव हैं, तो हमें इधर नीचे एक दो पॉइंट मार्क कर भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ 1 2 3 4 5 6। अब सबसे पहले हमें फोर फर्स्ट इक्वेशन हम ये कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं, व्हाट इज दिस कोऑर्डिनेट, 0 0 0 0 मींस एक्स भी 0 है वाई भी 0 है, और ये 0 0 जब कोऑर्डिनेट होता है तो वो ओरिजिन होता है, और इनको मार्क करने के लिए हम छोटा सा पॉइंट और एक छोटा सा सर्कल बना देते हैं कि हम इंडिकेट करते हैं कि हमने ये कोऑर्डिनेट मार्क कर दिया। सेकंड कोऑर्डिनेट को मार्क करेंगे तो 2 2 मींस एक्स इज इक्वल टू 2 और वाई इज इक्वल टू 2 है हमारा, ये यहां कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो गए 0 0, यहां क्या हो गए 2 2, और तीसरे कोऑर्डिनेट क्या है हमने जो लिए थे 2 4 4 लिए थे, तो ये आ गया 4 4। अब यदि हम यहां इनको ज्वाइन करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी इस तरह से, और ये स्ट्रेट लाइन कौन सी इक्वेशन की है, दिस इक्वेशन, तो यहां मार्क कर देंगे इट्स मार्क ऑफ दिस y स्क्वायर टू x। हमने सारे कोऑर्डिनेट भी मार्क किए हैं, इक्वेशन भी लिख दी, ये सब कुछ करना पड़ेगा फुल मार्क्स लेने के लिए। देन सेकेंड इक्वेशन को के कोऑर्डिनेट को भी प्लॉट करना है, तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है 3 0 x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 0, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 4 एंड 2 x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2, ये कोऑर्डिनेट हो गया। और थर्ड है 5 एंड 4 x इज इक्वल टू, यहां कहीं आ गया
यदि ये पॉइंट हमने पहले से मार्क कर करके इसको 4 4 ऊपर कर देता है और यहाँ ये आ गया आपका 5 4। अब इनको ज्वाइन करेंगे तो यहां ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, ये लाइन कुछ इस टाइप से जाएगी। अब ये कहते हैं कि इसका इंटरसेक्ट पॉइंट बताओ तो क्या होगा, ग्राफ पे देखेंगे कि ये 6 पॉइंट पर कहां इसको कट कर रहा है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होगा, सपोज करो कि हम एक्स को 6 ले लेते हैं, यहां 6 ले लेते तो क्या मिलेगा, ये भी 6 हो गया। यदि हम यहां भी y को 6 लेते हैं तो क्या आएगा, 6 + 6 = 12 6, तो ये भी 6 6 आएगा। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इसमें भी 6 6 आ गया, इसमें भी 6 6 आ गया, मतलब दोनों में एक कोऑर्डिनेट आ गया, तो इसको जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो भी 6 6 होगा। यदि ये पूछ ले कि फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द बोथ लाइन, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी हमें मिल गया और इसके कोऑर्डिनेट हो गए 6 6, मींस एब्सिस 6 है और ऑर्डिनेट भी 6 है, मींस एक्स की वैल्यू भी 6 है और वाई की वैल्यू भी 6 है। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन भी है, उसने कहा है ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ द सेम प्लेन एंड सेम सीट, आल्सो शेड द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड द वाई एक्सिस। अब वहां दो लाइन को ड्रॉ करने के बाद जो पोर्शन आया है उसको कहा गया कि वाई एक्सिस के साथ और दो लाइन के बीच में जो एरिया आया उसको शेड करना। अब इसी क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नहीं था, पार्ट नहीं था, यदि मैं इसी क्वेश्चन में कह दूं कि ट्रायंगल को शेड करो तो ट्रायंगल क्या बनना है हमारे पास, एक ये ट्रायंगल बनना है। इस ट्रायंगल का यदि शेड करने के लिए कहा जाए तो हम इसको शेड कर देंगे, बट इसमें एक कंडीशन और कही जाएगी, ड्रॉ द टू लाइंस एंड शेड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बिटवीन द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस ये वाली लाइन ले रहे हैं, लेकिन उस क्वेश्चन में क्या है, Shaded the portion of the triangles made by two side two lines and one y-axis. तो y-axis ही है। इसके साथ में कहीं कोई portion बनेगा दूसरे question के लिए, तो हम दूसरे question को भी थोड़ा सा करके दिखाएं तो उसमें आपका आंसर आ जाएगा। ग्राफ करने के लिए ग्राफ सेम प्रोसेस है, इक्वेशन बनाना है, ग्राफ बनाना है। फिर क्वेश्चन में कहा है रोहन हैज टू 800 इन ऑफ द फॉर्म ऑफ 50 एंड 100 नॉट्स ओनली, राइट द लीनियर इक्वेशन व्हिच सेटिस्फाई द डेटा ऑन ग्राफ। सेटिस्फाई के लिए आपको ग्राफ पे डेटा बनाना है। क्या कहा है कि एक व्यक्ति है रोहन है, उसके पास 800 रुपीस है और 800 रुपीस में उसके पास 50 के नोट है और 100 के नोट है। 50 के और 100 के जो नोट्स हैं वो उसको हमें एक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और उसको फिर ग्राफ पे भी दिखाना है। तो यहां पर हमारे पास जो टोटल अमाउंट कितना है 800 है, 800 रुपीस है, बट उसमें 100 रुपीस के नोट भी हैं और 50 रुपीस के नोट भी हैं, बट ये नहीं मालूम हमें कितने 50 के और कितने 100 के हैं। तो हम ये कंसिडर करेंगे, लेट करेंगे कि लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स बी वाई। अब यदि हम 50 को x से और 100 को y से मल्टीप्लाई कर दें तो 800 आ जाएगा, ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। जनरल इंफॉर्मेशन यही है हम इन इक्वेशन को कैसे डेवलप करें। तो इक्वेशन हमारे पास बन गई, अब ग्राफ के लिए कहा जा रहा है तो क्या करेंगे, वी कैन राइट 100y = 800 - 50x और y को इधर शिफ्ट करेंगे y के कोएफिशिएंट को, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। अब यहां सॉल्यूशन निकालना है तो टेबल बनानी पड़ेगी इजी वे में रिफ्लेक्ट करने के लिए। हम टेबल में क्या करेंगे, देखो भाई यहां पर हमारे पास 2 3 नोट हो सकते हैं, 4 नोट हो सकते हैं,
ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये नोट ऑड नंबर में नहीं होंगे। यहां पर एक्स ऑड नंबर में तो क्या होगा, 50 का मल्टीपल मिलेगा और 100 से डिवाइड नहीं होगा। तो जब भी हम लेंगे हो सकता है कि इसमें 2 ले लें एक्स को, तो 2 इंटू 50 100, और यहां से 800 माइनस 100 करें तो 700, और 700 से 100 को डिवाइड करें तो 7 आएगा। यहां यदि हम 4 ले लें तो 4 इंटू 50 200 हो जाएंगे, और 200 को हम माइनस करेंगे 800 से तो 600 आएगा। 600 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। यदि हम इसमें 6 नोट ले लें 50 रुपीज के, तो 6 इंटू 50 करेंगे तो 300 हो जाएगा, 800 माइनस 300 500 हो जाएगा, और 500 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 3 सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन के आ गए। अब ग्राफ ड्रॉ करना है तो यहां देखेंगे हमारे पास नोट जो है वो 50 के और 100 के हैं। हमने क्या कहा कि स्केल लेट करना पड़ेगा, वन बॉक्स इक्वल टू मिनिमम 50 रुपीज मार्क कर लो, क्योंकि मिनिमम साइज क्या है 50 रुपीज के या 100 रुपीज के नोट्स हैं। तो हमने एक बॉक्स को 50 रुपीज के कंसिडर किया, और ग्राफ ये नंबर जो होते हैं सारे पॉजिटिव हैं, नोट नंबर जो भी होंगे पॉजिटिव होंगे। तो जरूरी है कि हम इसको बीचों बीच लाइन ड्रॉ करें, हम साइड में भी कर सकते हैं, छोटा सा एक ग्राफ बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नंबर जो है वो कितने बनेंगे, यहाँ पर 2, 7, 4, 6 तक आए, तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर हमारे पास 7 है, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कर दें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कर दें। यहाँ हमारे पास एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वहां वाई को रिप्रेजेंट कर देंगे। अब यहाँ हम मार्क करें कि हमारे पास जो एक्स है वो 2 है, तो 2 यहाँ पर लेंगे और वाई हमारे पास 7 हो जाएगा। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ 2 पर कितना है 7, और 4 पर कितना है 6, और 6 पर कितना है 6 और 5 है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ऐसे यदि हम 8 नॉट ले लें 50 के तो क्या आएगा, क्रॉस क्वेश्चन, क्वेश्चन एग्जाम में नहीं है बट आपको समझाने के लिए, यदि हम 8 नॉट ले लें यहां तो क्या होगा, ग्राफ से हमें पता चल जाएगा। देखो 8 को यहां आगे ड्रॉ करो, तो यहां कितना मिल रहा है, तो 8 यदि यहां डालते हो, 8 इंटू 50 करते हो क्या आएगा 400, 800 माइनस 400 क्या हो जाएगा 400, 400 को 100 से डिवाइड करने के लिए 4 हो जाएगा। अब देखो यहां ये आ रहा है कि नहीं, यदि ये 10 नोट ले लें ग्राफ पे ही आंसर निकालना चाहे, ये 9 और 10 ले लें तो क्या होगा, 10 को ऊपर प्रोड्यूस करेंगे लाइन में कहीं जाएगा। अब 10 नोट करेंगे तो क्या आएगा, 50 इंटू 10 500 आएगा, 800 माइनस 500 करेंगे तो 300 बचेगा, 300 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ ये हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा कि 3 नोट्स आएंगे। तो यदि हम 10 लेते हैं तो यहाँ 3 आएगा। तो हमारे पास मैनी सॉल्यूशन ऑफ लाइन आ जाते हैं। कितने सॉल्यूशन होंगे लाइन के, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन ऑफ लाइन। अब ये तो क्वेश्चन बाकी हैं बट वो सब सेम है, ड्रॉ करने हैं, मैं उन सबको नहीं कर रहा हूँ, इनके साथ खुद ट्राई करेंगे, और जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, उसका सॉल्यूशन हम फर्दर आपको प्रोवाइड कर देंगे। और इस वीडियो को देख करके आपको लगता है कि ये सब कुछ ठीक है, अच्छा है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू।